प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिन के दौरे पर हैं। शुक्रवार को भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक ने प्रधानमंत्री को वहां के सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो अवार्ड से सम्मानित किया। मोदी ने कहा कि वो इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करते हैं। साथ ही मोदी ने कहा कि आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है और हर पुरस्कार अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से पुरस्कार मिलता है तो ये महसूस होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले पीएम राजधानी थिम्पू के तशीचो दजोंग पैलेस पहुंचे। यहां उनका औपचारिक स्वागत हुआ। उन्होंने भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक से भी मुलाकात की। भूटान पहुंचने पर प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने पारो एयरपोर्ट पर मोदी का गले मिलकर स्वागत किया था। टोबगे ने मोदी से कहा कि स्वागत है मेरे बड़े भाई। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। हर अवार्ड अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो ये भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ये विश्वास भी बढ़ता है कि हमारे प्रयासों से दोनों देशों के लोगों का कल्याण हुआ है। हमें और अधिक परिश्रम करने का उत्साह मिलता है, ऊर्जा मिलती है, लेकिन यह सम्मान मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भूटान की इस महान भूमि पर मैं सभी भारतवासियों की ओर से यह सम्मान नम्रता से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान के लिए आपका और भूटान की जनता का हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं।